कितना मुश्किल सा लगता है इस अजाब से गुजरना। ये सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो इससे गुजर रहा हो। वक्त रहते माँ से मोहब्बत मुश्किल सी लगती थी, और आज उनके पास जाने का मन है। तालिक बेटा, नाश्ता तैयार है, आ जाओ। तालिक बेटा, आ जाओ। मेरा चार्जर कहाँ है? एक तो इस घर में कुछ मिलता नहीं है। कश्मकश में मुब्तला है सब कुछ। वक्त रहते समझ नहीं आता। मोहब्बत तो अजीब सी हो गई है। डर लगता है अपनों से ही मोहब्बत करने में। समझ नहीं आता डर हमें खुद का है या फिर अपनों का। नफरत करने की कोई वजह नहीं मेरे पास। शायद तभी न नफरत हो पाई और ना ही मोहब्बत। आज जब ऐसा देखा तो सोचता हूँ, खुद से कैसे लड़ूं, खुद को कैसे हराऊं। वो शख्स वहाँ बैठा रो रहा था, जबकि उसके पास वो नहीं जिससे वो मोहब्बत करे, और मेरे पास तो फिर मेरी माँ है। आज मैं उन्हें गले लगाऊंगा। बेटा जरा दूध और दही तो ले आओ, खाना बनाना है। लगा ले गले, क्यों घबरा रहा है? माँ है तेरी, मारेगी नहीं तुझे। मत रुक, नहीं कर ऐसे, मत जा। वो चली गई तो तू सिर्फ यही सोचता रह जाएगा। आज वक्त है तो खुद से लड़ नहीं पा रहा। कल ना वक्त होगा और ना लड़ने की कोई वजह। बस आंखों में आंसू होंगे जिन्हें बहा के कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। बस बहाता जाएगा, बहाता जाएगा, बहाता जाएगा। आयशा, जरा पता तो करो सालिक कहाँ रह गया है। शाम से निकला है, अभी तक घर ही नहीं आया। वक्त था मेरे पास, बस अपने ही हिसाब से सब कुछ सोचता रहा। मुझे लगा था मेरे पास मेरी माँ नहीं होगी, मगर आज मेरी माँ के पास मैं ही नहीं हूं। अपने ही हिसाब से चलता रहा और अपनी माँ को ही गले न लगा सका। काश वक्त के रहते लगा लेता
मरा तो मैं आज हूं, मगर आज ऐसा लगता है मैं तो कभी जिंदा था ही नहीं। लोग कहते हैं खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनकी माँ जिंदा हो, यहाँ तो बदनसीब हूँ मैं, जिंदा रहते हुए भी माँ की कदर ना कर सका।